नौकरी वाली जिठानी। सावित्री जी की दो बहू थी। बड़ी बहू का नाम था दीपाली और छोटी बहू का नाम था पूजा। दीपाली दिखने में गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी और पूजा सांवली सलोनी, लेकिन काफी खूबसूरत थी। दीपाली जहां चतुर स्वभाव की थी, वहीं पूजा सीधी सादी। मम्मी जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अरे क्या हुआ दीपाली, बड़ी खुश लग रही हो। वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने जिस स्कूल में टीचर की जगह अप्लाई किया था ना, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी बहू अब नौकरी वाली बन गई है। चलो अच्छा है, घर के खर्चों में मदद मिल जाएगी। जिठानी जी, मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ, ये सच में बहुत बड़ी खबर है। अरे खुश होने से क्या होता है, पढ़ी लिखी तो बहू तुम भी हो, तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। हाँ पूजा, मम्मी जी सही कह रही हैं, तुम मेरी देवरानी हो। अब अगर कोई मम्मी जी से पूछेगा तो वो क्या कहेंगी कि उनकी एक बहू नौकरी करती है और दूसरी घर में रहती है। अरे तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, और वैसे भी हाउसवाइफ होना कोई बुरी बात तो नहीं है। मुझे तो हमेशा से ही नौकरी करने का बहुत शौक था, ये घर के काम और इन सब में तो मेरा मन ही नहीं लगता। अरे बहू, लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना, वरना तुम्हारा घर कौन संभालेगा। मम्मी जी, अब अकेले मैं थोड़ी ना इस घर की बहू हूँ, अगर मैं नौकरी करूंगी तो घर का काम पूजा को ही करना पड़ेगा ना। पूजा चुपचाप खड़े होकर अपनी जिठानी दीपाली की बातें सुन रही थी। सीधा सादा नेचर होने के कारण वो आगे कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन सुबह, जिठानी जी क्या आप स्कूल जा रही हैं? हाँ पूजा, जल्दी से मेरा टिफिन बना दो, देखो मुझे स्कूल जाने के लिए देर ना हो जाए। जी जिठानी जी, मैं अभी जल्दी से आपका टिफिन बना देती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों देवरानी जिठानी मिलकर सब कुछ संभाल रही हैं। मम्मी जी, जिठानी जी को स्कूल जाना है, घर का काम मैं कर लूंगी। वैसे बहू, तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी कोई नौकरी करनी चाहिए थी। दीपाली को देखो, उसने भी तो नौकरी करना शुरू किया है। सब लोग कहेंगे कि देवरानी जिठानी में कितना अंतर है, एक तो नौकरी करती है, दूसरी घर में बैठी रहती है। मम्मी जी, नौकरी तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई छोड़े हुए काफी साल हो गए हैं, पता नहीं अब मैं कहीं नौकरी कर भी पाऊंगी या नहीं, और वैसे भी घर संभालना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। अब बहू, बहाने तो कितने भी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, खैर जैसी तुम्हारी मर्जी। शाम को दीपाली ऑफिस से लौटकर घर आई। अरे पूजा, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बहुत थक गई, ऑफिस का पहला दिन ना बहुत थकने वाला होता है। जेठानी जी, ये लो आपकी चाय। पूजा को इस तरह दिन रात घर के काम करते देख पूजा के पति अंकित को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने पूजा से कहा, पूजा माना कि दीपाली भाभी तुम्हारी जिठानी है और तुमसे बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनके काम करने में निकाल दोगी, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जिठानी जी तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती हैं, किसी को तो घर का काम करना ही पड़ेगा ना। देखो पूजा, मैं तुम्हें किसी के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ कि माँ का रवैया भी तुम्हारे प्रति बदल गया है। उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि भाभी नौकरी करती हैं, इसलिए वो तुमसे ज्यादा काबिल हैं। पर मैं क्या करूं अंकित, मैंने शुरू से ही नौकरी नहीं की और अब मेरी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है। ठीक है पूजा, अगर तुमने मान ही लिया है तो फिर तुम इस जिंदगी में खुश रहो, लेकिन देखो बाद में मुझसे शिकायत मत करना। दीपाली ने धीरे धीरे घर के सारे कामों को करना पूरी तरह छोड़ दिया था, सारे काम पूजा किया करती थी। एक दिन सावित्री जी की कुछ सहेलियां उनके घर आई। अरे सावित्री, अपनी बहू से तो मिलवा दो, कहाँ हैं दोनों? हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ, पूजा तो किचन में होगी और दीपाली शायद आराम कर रही होगी, अभी अभी ऑफिस से आई है ना। नमस्ते। नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, आओ आओ यहाँ बैठो, कैसी हो तुम दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस क्या है ना, ऑफिस के चक्कर में थक जाती हूँ,
इसलिए अभी अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे वाह सावित्री जी, आपकी बड़ी बहू नौकरी करती है? हाँ, मेरी दोनों बहुएं बड़ी समझदार है। दीपाली नौकरी करती है और पूजा ने पूरा घर संभाल रखा है। तो क्या छोटी बहू रानी कुछ नहीं करती? अब मैंने तो कई दफा समझाया कि तुम भी कोई नौकरी कर लो, लेकिन इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों पूजा बेटा, तुम्हें घर के काम करना अच्छा लगता है क्या? अरे घर में काम ही कितने होते हैं, बस दो वक्त की रोटी ही तो बनानी होती है। मम्मी जी सही कह रही हैं, घर में इतना कुछ खास काम नहीं होता। वो तो ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि कितना थक जाते हैं वहाँ का काम करके। नहीं मम्मी जी, घर के काम भी बहुत जरूरी होते हैं। घर संभालना भी कोई ऑफिस संभालने से कम थोड़ी ना है। अरे रहने दे बहू, ये तो नौकरी ना करने के बहाने हैं। हाँ मम्मी जी, अब वो क्या है ना, पूजा को घर में आराम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि उसे लगता है कि घर में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है दीपाली बेटा, तुम इतनी स्मार्ट हो इसलिए तुम्हें नौकरी मिल गई। वैसे पूजा, तुम्हें भी कुछ तो करना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जाकर मेरी सहेली के लिए जल्दी से अच्छी सी चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आओ। हाँ पूजा, और मेरे लिए प्लीज एक कप कॉफी बना देना, मुझे चाय पसंद नहीं है। पूजा को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद दीपाली के ऑफिस की कुछ सहेलियां घर पर पार्टी करने के लिए आती है। पार्टी का सारा खाना पूजा ने बनाया था। दीपाली अपनी सहेलियों के साथ कमरे के अंदर बैठी थी और पूजा उन सब के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी, तभी कमरे में से आती हुई आवाजों को पूजा ने सुना। क्या बात है दीपाली, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। अब क्या बताऊं, किस्मत है मेरी, इतनी बेवकूफ देवरानी दी है भगवान ने, सारा काम खुद ही कर लेती है। क्यों, वो पढ़ी लिखी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ी लिखी तो बहुत है, लेकिन फिर भी मेरी सेवा करती है, मैं क्या करूं। वाह यार, सच में कोई इतना पढ़ा लिखा बेवकूफ मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए। घर के काम भी हो रहे हैं और नौकरी भी। वाह दीपाली, मौज है तुम्हारी। अरे पता नहीं किस नेचर की है मेरी देवरानी, उसे बुरा भी नहीं लगता कि मैं ऑफिस चली जाती हूँ और वो मेरे और घर के सारे लोगों के काम करती रहती है दिन भर। भगवान जाने किस मिट्टी की बनी है। ये बातें करते हुए दीपाली और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगते हैं, तभी पूजा वहां पर आ जाती है। उसे देखकर सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। जिठानी जी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, मैं तो बस अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती थी। आप नौकरी पर चली जाती हैं और ऐसे में घर को संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद पूजा अपने पति अंकित के पास गई। आप ठीक कहते थे, मुझे भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ करना चाहिए था। अरे अब अचानक क्या हुआ पूजा, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? आज जिठानी जी और उनकी सहेलियों की बातें सुनकर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि इंसान को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब मैं भी मेहनत करूंगी और कुछ बनकर दिखाऊंगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।